नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दानापुर जोगबनी और सहरसा जोगबनी ट्रेन को लेकर एक खुशखबरी आ रही है और ये खुशखबरी इस ट्रेन के उद्घाटन को लेकर है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, जोगबनी या फॉरबिसगंज से सीधे पटना के लिए कोई भी ट्रेन कनेक्टिविटी नहीं है। इसी को देखते हुए रेलवे ने आज से करीब डेढ़ महीना पहले दो ट्रेनों का अप्रूवल जो है वो दिया था, जिसमें एक जोगबनी से लेकर के सहरसा के बीच एक्सप्रेस ट्रेन है और दूसरी जो ट्रेन है वो जोगबनी से दानापुर के बीच चलने वाली है। तो और इस ट्रेन का टाइम टेबल और स्टॉपेज भी रेलवे के द्वारा जारी कर दिया गया था, लेकिन अभी तक ट्रेन जो है वो नहीं चली है। लेकिन अब जो है एक बड़ी खबर आ रही है, इस ट्रेन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, पटना से रांची के बीच एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है और ये कुछ ही दिनों बाद इस ट्रेन की शुरुआत भी हो जाएगी। इसके लिए रेक भी जो है वो मंगा लिया गया है। तो अगर सोशल मीडिया की माने तो इस ट्रेन की शुरुआत जो है वो 21 जून तक जो है वो हो सकती है। जैसे कि पटना और रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत होगी और इसका उद्घाटन जो है पीएम नरेंद्र मोदी खुद ही करने वाले हैं। पटना बिहार आएंगे और उसके बाद उद्घाटन करेंगे। तो इसी को देखते हुए कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो दानापुर जोगबनी एक्सप्रेस ट्रेन है उसका भी उद्घाटन साथ ही साथ किया जाएगा। हालांकि ये कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया की अगर माने तो इस तरह की बातें जो है वो चल रही है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के साथ ही इस ट्रेन का भी उद्घाटन किया जाएगा। वहीं दोस्तों, अगर सहरसा से जोगबनी वाली एक्सप्रेस ट्रेन की बात की जाए तो इसके बारे में अभी भी कोई भी खबर नहीं है कि ये ट्रेन कब से शुरू होगी। हालांकि पिछले दिनों खबर ये आई थी कि रेक की कमी के कारण ये ट्रेन शुरू नहीं हो रही है। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि दरभंगा से जो झंझारपुर के बीच डेमू ट्रेन चलती है उसका भी एक्सटेंशन फॉरबिसगंज तक जो है अप्रूवल मिल चुका है, और सहरसा से ललितग्राम के बीच चलने वाली जो डेमू है उसका भी एक्सटेंशन फॉरबिसगंज तक होगा। तो इसके बारे में अभी कोई खबर नहीं है, लेकिन जो दानापुर जोगबनी एक्सप्रेस ट्रेन है वो जो है 21 जून तक इसका उद्घाटन हो सकता है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। लेकिन अभी जो है कोई पुख्ता खबर नहीं है इसके बारे में। तो उम्मीदें ज़रूर है कि 21 जून या फिर इस महीने के अंत तक में ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन अभी भी यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि कई महीनों से इस रेलखंड को अनदेखी की जा रही है और सीआरएस होने के बाद भी ट्रेन जो है वो नहीं मिली है। और ऐसे में एक नई उम्मीद जो है वो थोड़े थोड़े दिनों पर ज़रूर नज़र आ जाती है। तो देखना होगा क्या 21 जून को या फिर इस महीने में ट्रेन शुरू होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की तमाम अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।